निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। कंबल वितरण के लिए कर दिया गया है टेंडर। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। नवागत एसडीएम सदर के रूप में नेहा बंधु आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर ने कार्यभार किया ग्रहण। कहा, नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना होगा पहली प्राथमिकता। शासन की योजनाओं का नागरिकों को दिलाया जाएगा लाभ। संचारी रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं नगर निगम के कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। कहा, सम्मान मिलने से होता है उत्साह वर्धन तथा अच्छे से और अच्छा काम करने की मिलती है प्रेरणा। आईएमए गोरखपुर का सचिव पद का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। कड़े मुकाबले में डॉक्टर अमित मिश्रा ने डॉक्टर दीपक मोदी को 17 वोट से किया पराजित। आईएमए गोरखपुर की कार्यकारिणी के सभी सदस्य पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं निर्वाचित। डॉक्टर अमित मिश्रा को मिले 192 मत, वहीं डॉक्टर दीपक मोदी को मिले 175 मत। आईएमए के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एससी कौशिक ने दी जानकारी। बुलडोजर चलवाकर पुराने आरटीओ कार्यालय के सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को पुलिस प्रशासन ने करवाया खाली। वर्षों से था जमीन पर अवैध कब्जा। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश एवं शुभ स्कल्प्टर्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 13वीं राज्य स्तरीय रेत शिल्प प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। समाज के ज्वलंत मुद्दों पर छोटे बच्चों व छात्र छात्राओं ने रेत पर अपनी भावनाएं उकेर कर दिया संदेश। उत्कृष्ट शिल्पकारों को किया गया सम्मानित। कहा, अनेकों ज्वलंत विषयों पर बालू से कलाकृतियों को बनाकर समाज में हो रही बुराइयों को दूर करने का शिल्पकारों ने किया प्रयास। प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता दूसरे दिन भी रहा जारी। प्रतियोगिता के संयोजक ने कहा, 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को नगद धनराशि सील्ड व मेडल से किया जाएगा सम्मानित। और ठंड के मौसम में हड्डी के मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा, ज्यादातर गठिया यूरिक एसिड और पुरानी चोट के आते हैं मरीज।